और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन त्रिपुरा पर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आज अमित शाह विजय संकल्प रैली को संबोधित करने वाले हैं। जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन से सिटी सेंटर तक रोड शो भी आज अमित शाह का होगा। धनवान लोगों को करता है ये, एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड। पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। क्रिमिनल माइंड, मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सोनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है ये, एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रितिका सिंह। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आपको दिखाते हैं धमाकेदार 50। तुर्की और सीरिया में भूकंप से भारी तबाही। दोनों देशों में भूकंप में अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब तक 85,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। तुर्की में रेस्क्यू मिशन में जुटी NDRF की टीमें। भारत से प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई 4 और टीमें। राहत और बचाव का काम जारी। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर पीएम मोदी ने फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन से की मदद की अपील। बोले, ऐसे हालात में मोबाइल के जरिए भी मदद की जा सकती है। तुर्की में जारी ऑपरेशन दोस्त की पीएम मोदी ने की तारीफ। ट्विटर पर लिखा, हमारी टीमें दिन रात काम कर रही हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। भारत तुर्की के लोगों के साथ है। तुर्की में जोरों पर राहत और बचाव कर रहे हैं। मलबे में लोगों की हो रही है तलाश। तुर्की के राष्ट्रपति बोले, हर एक मलबे की तलाशी तक चलता रहेगा अभियान। भूकंप से तबाह सीरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन में हो रही मुश्किल। तबाही से अब तक करीब 53,00,000 लोग हुए बेघर। भूकंप के बाद आई बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। बांध के टूटने से आई बाढ़ की वजह से शहर से 500 से ज्यादा परिवार पलायन कर चुके हैं, भूकंप की मार झेल रहे हैं। तुर्की में कुछ ऐसे ही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। तुर्की में मलबे में दबे एक छात्र की जान व्हाट्सएप की वजह से बच गई। बिल्डिंग के मलबे में दबे छात्र ने वीडियो बनाकर व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दिया, जिसकी मदद से रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढ निकाला। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर पहुंची राष्ट्रपति। मंदिर में की पूजा अर्चना।